बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है गाज़ेज़ लॉ की एप्लीकेशंस। डिफाइन गाज़ेज़ लॉ और साथ कोई एक एप्लीकेशन पूछेगा। दूसरी और तीसरी इम्पोर्टेंट है, दूसरी और तीसरी ज़्यादा पेपर में ये दूसरी पूछेगा, इन्फिनिट शीट वाले, ठीक है। गाज़ेज़ लॉ और साथ इसकी ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डेफिनेशन दे के साथ ये अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये पूछेगा। दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइन कैपेसिटर पूछेगा या डिफाइन कैपेसिटेंस पूछेगा, और साथ ये अटैच करेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसके अलावा अगर कोई करना चाहें, ये तीन आपको लास्ट में आने चाहिए, फिर आप कर सकती हैं ये डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और साथ ये पूछेगा थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, चौथे नंबर पे ये कर सकते हैं। लेकिन पहले तीन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पूछते हैं, बहुत कम चांसेस हैं। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एक्सरसाइज में चले जाएं तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, 12.1 और 12.7, और एक ही एग्जाम्पल आपको आने चाहिए 12.6। ये तीन न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, तीन न्यूमेरिकल्स और तीन लॉन्ग बताए हैं, चौथा एक ऑप्शनल बताया है कि वो भी आपको करना चाहिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 की ये एक आपने एग्जाम्पल करनी है, 13.4, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये दो न्यूमेरिकल करें, 13.4 और 5, एक एग्जाम्पल आपको बताइए, तीन न्यूमेरिकल। इसके अब लॉन्ग देखते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये दो। तीसरे नंबर पर अगर आप करना चाहें तो टेम्परेचर वाला कर सकते हैं। ये वाला, ठीक है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देगा और ये पूछेगा इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये पूछेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर है 14 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ की डेफिनेशन पूछेगा, यहाँ से डेफिनेशन करनी है। सा ये अटैच करेगा फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा आपने लिखना है, ठीक है, फिगर लाजमी बनाएं। डेफिनेशन पूछेगा, साथ ये आपने लिख देना। और दूसरे नंबर पे इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके साथ मैंने 100% लिखा हुआ है वो आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं, जिनके साथ 100% लिखा है, चाहे वो न्यूमेरिकल है चाहे वो लॉन्ग है, वो आपने लाजमी करना है। ये दो इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तीसरे नंबर पे अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, साथ कोई वो डेफिनेशन अटैच करेगा, बल्कि डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं, ये तीसरे नंबर पे ये कर सकते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो एक्सरसाइज में चले जाएं तो ये तीन आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, 14.2, 14.4, 14.5। देखें जिसके साथ मैंने कहा है 100% लिखा वो आपने लास्ट में करना है। यूनिट नंबर है 15। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जिसके साथ 100% लिखा वो आपने लास्ट में करना है। दूसरे नंबर पे ये है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तीसरे नंबर पे अगर आ सकता है तो वो फ्राइडे ला सकता है। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये तीन, एक न्यूमेरिकल है 15.4, 15.7, देखें 100% लिखा होगा, और 15.11 इसके साथ भी 100% लिखा है, और ये भी एक 15.17। यूनिट नंबर है 16। इसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग है एसी थ्रू अ कैपेसिटर, और दूसरा है
आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट्स, ये दो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो 16.3, 16.4, 3 के आगे देखें 100% लिखा है, 16.6 100%, 16.7, 16.9 ये न्यूमेरिकल्स आपने करनी है। ये नंबर है 17, इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने कंप्लीट यहाँ तक लिखना है, फार्मूला इसका निकाल ड्राइव करें। उसके बाद दूसरा है एनर्जी बैंड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, ये दो ही आपने करनी है और ये दो न्यूमेरिकल्स करने हैं, पहला और दूसरा। 17.17.2 देखें, इसके साथ 100% लिखा हुआ। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 18, रेक्टिफिकेशन 100%, ये दो हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये दोनों आपने करनी है, ठीक है, कोई एक भी पूछ सकता है या कंबाइन भी पूछ सकता है। और दूसरे नंबर पे है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। तीसरे नंबर पे आप करना चाहें तो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कर सकते हैं, लेकिन वो दो आपने लाजमी करने हैं, वो 100%। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ये दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों 100% है, 18.1 18.5। ये नंबर है 19, इंटेंस, बल्कि ये तीसरे नंबर पे आएगा, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये है कॉम्प्टन इफेक्ट 100% लिखा हुआ है, और एक 100% लिखा हुआ है जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो इस ये दो इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आप करना चाहें तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इसमें होता ये है कि डायग्राम पूछता है और साथ इसके कंक्लूजन, इसके रिजल्ट पूछ लेता है, ये इसके पॉइंट्स हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूछ लेता है, लेकिन वो दो आपने लास्ट में करने जो 100% है। और ये दो न्यूमेरिकल लाजमी करें, ये एग्जांपल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, 19.8 19.9। एक्सरसाइज में चले जाएं तो ये आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, 19.4 19.5 19.9, देखें इनके साथ 100% लिखा हुआ है, 19.5 के साथ और 19.9 के साथ, ये दो एग्जांपल, ये एक्सरसाइज के और दो एग्जांपल्स आपने लाजमी करने हैं। यूनिट नंबर है 20, यूनिट नंबर 20, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बोहर्स मॉडल, यहाँ से कोई दो पास्टुलेट पूछ लेता है, ठीक है, बोहर्स मॉडल के साथ वो लॉन्ग अटैच करता है, या तो ये करता है क्वांटाइज्ड रेडियाई या फिर क्वांटाइज्ड एनर्जीज, दोनों में से कोई एक अटैच करता है, दो बोहर्स पास्टुलेट लेके या ये टॉपिक अटैच कर देगा या ये, लेकिन ज़्यादा जो पेपर में पूछता है वो क्वांटाइज्ड रेडियाई पूछता है। और दूसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है एक्सरेज, व्हाट इज एक्सरेज, साथ इसकी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज पूछ लेते हैं, ये इस चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो चार न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, 20.2 20.3 20.5 और 20.8, ये दो देखें 100% लिखा हुआ है, 20.5 और 20.8 के साथ। यूनिट नंबर है 21, यहाँ से आपने करना है रेडिएशन डिटेक्टर्स, दो हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से लास्ट में एक पेपर में आएगा, ये 100% लिखा हुआ है। और इस चैप्टर का दूसरा अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा अगर कोई करना चाहें तो फिर न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूनिट नंबर 21 से वो न्यूमेरिकल्स देता है, न्यूमेरिकल्स आप अच्छे तरीके से करें, इसके चार न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, 20.1 21.1 20 21.2
21.5 और 7, तो पहले जो दो हैं उनके साथ 100% लिखा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं यूनिट नंबर 13, 15, 18, 20 और 21, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो मैंने आपको जितने भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनते हैं या न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये तमाम स्टूडेंट्स को करने चाहिए, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट लॉन्ग अलग से उस पर वीडियो बनाई हुई है और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग बनाई है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके लिए मैंने बनाई है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल लॉन्ग हैं वो बता दिए हैं और न्यूमेरिकल्स, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो चेक कर लें क्या ये लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स आपको आती हैं। जो लॉन्ग आपको नहीं आते वो आप अच्छे तरीके से कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।